Assalamu alaikum, my name is Rumaisa. I am from 3 Alpha. I will tell you about estimation. Estimation means andaza lagana. There are two ways of estimation according to tenths. First step, hum likhenge question. Second step, hum place value likhenge. Third step, hum underline karenge. और हम ये देखेंगे कि जिसके लिए अंडरलाइन वाले के साथ हम एरो लगाएंगे और हम देखेंगे कि जो जहां हमने एरो लगाया उसके ऊपर वाला डिजिट 5 से लेस देन है या ग्रेटर देन है। अगर वो लेस देन होगा तो हम उसको एज इट इज़ लिखेंगे, अगर वो ग्रेटर देन होगा तो हम उसमें से एक बढ़ा देंगे। तो ये जो 3 है ये 5 से लेस देन है तो हम 9 एज इट इज लिख देंगे 90। अब हम नंबर लाइन लिखेंगे, ये हमारा 93 ये है और हम लोग 95 से जो पीछे वाला है ये 93 है और 93 के पास वाला 93 से हम लेके 90 तक एरो लगाएंगे। 93 की एस्टिमेटेड वैल्यू 90 है। अब हम अकॉर्डिंग टू हंड्रेड्स करेंगे। फर्स्ट स्टेप हम लिखेंगे क्वेश्चन, सेकेंड स्टेप हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, जो 100 वाला डिजिट होगा उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे और जो 10 वाला डिजिट 8 होगा उसके नीचे हम एरो लगाएंगे। हम लोग देखेंगे कि जो ये वाला डिजिट है वो जो 5 से लेस देन है ग्रेटर देन है। लेस देन होगा तो हम एज इट इज लिख देंगे, ग्रेटर देन होगा तो हम उसमें एक 1 ऐड कर देंगे। ये ग्रेटर देन है 5 से तो हम इधर लिखेंगे 9। हम 8 से 1 यहाँ ऐड करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। Estimated value of 387 is 300. Thanks.